दोस्तों आपने जोमेटो की ऐड तो देखी होगी, बहुत सारी वीडियो के आगे यूट्यूब पे इसकी ऐड आती है, तो वो तो है जोमेटो की एप्लीकेशन जिससे खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप जोमेटो को ज्वाइन करके पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे लोग खाना डिलीवरी करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। आप भी अगर जोमेटो फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, मतलब जोमेटो डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं, इसकी जॉब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जो भी मैंने जानकारी इकट्ठी की है जोमेटो के बारे में वो मैं आपसे शेयर करूंगा, कैसे ज्वाइन करते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जोमेटो में जॉब करने के लिए, यही चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं जोमेटो में जॉब करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है दोस्तों आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, चौथा है आपका मतलब बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक, और एक होनी चाहिए आपके पास बाइक, उसकी RC लगेगी, ठीक है ना। बाइक तो होनी चाहिए, उसी बाइक से आप करोगे मतलब खाना डिलीवर, तो खाना डिलीवर करना है तो बाइक की तो ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके नाम पर होनी चाहिए। अगर आपके नाम पे नहीं है, अगर आपके पापा की बाइक है या आपके ब्रदर की बाइक है, तो उसका भी आधार कार्ड लगेगा। बाकी आपको जोमेटो के ऑफिस जाने के बाद पूरा पता चल जाएगा। अगर आपकी बाइक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े डॉक्यूमेंट और लगेंगे, फिर अगर आपकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए, और इसके बाद बात करते हैं आपने जाना कहाँ है, जोमेटो का ऑफिस कहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जोमेटो का ऑफिस, जोमेटो की ब्रांच आपके आसपास जो भी है वो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। अगर आपको ऑनलाइन मतलब नहीं मिल रहा कहाँ पे आपका मतलब जोमेटो ऑफिस है, तो आप कर सकते हैं मतलब खाना ऑर्डर कीजिए, पहले तो जोमेटो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से खाना ऑर्डर कीजिए, आपके पास खाना लेकर डिलीवरी बॉय आएगा, आप उससे मतलब पूछ सकते हैं कि आसपास की ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपको ब्रांच पता चल गया, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाएंगे, फॉर्म फिल किया जाएगा एक, और आपको मतलब 1000 रुपया देना पड़ेगा वहाँ पे, पहले 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, वो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह देंगे और एक एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन से ही आपने काम करना होता है। आपको एक एरिया दिया जाएगा, उसी एरिया में आपने डिलीवरी करनी होती है, खाना की डिलीवरी करनी होती है, उससे बाहर नहीं जाना होता, ज़्यादा दूर नहीं जाना होता, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन जोमेटो वाले आपको देने वाले हैं, उसी एप्लीकेशन को मतलब आपने लॉगिन रखना होता है अपने मोबाइल में, उसी पे आपको मिलते हैं ऑर्डर, जो ऑर्डर आता है आपने उसे करना होता है पिक, ठीक है ना। रेस्टोरेंट से खाना पकड़ना है, और जो लोकेशन दी जाती है जहाँ खाना मंगवाया जाता है, जहाँ से ऑर्डर आए वहाँ आपने पहुँचा देना होता है। आपको हर ऑर्डर पे मिलता है, हर डिलीवरी पे मिलते हैं 30 से 50 रुपये। तो ये है दोस्तों पैसे की बात, आप पैसा कितना कमाते हैं जोमेटो में वो जहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको एक डिलीवरी के 30 से 50 रुपये मिलते हैं, तो इस तरह से अगर आप मतलब अच्छी तरह काम करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं 10 घंटे, वैसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं 5 घंटे, तो अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन को 5 घंटे तक लॉगिन रखना होता है, अगर फुल टाइम करते हैं तो 8-10 घंटे तक लॉगिन रखना होता है, ठीक है ना। जितना चेर आप जितनी देर तक आप लॉगिन रहेंगे उतनी देर तक आपके पास ऑर्डर आते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। अब अर्निंग की बात करते हैं, महीने में आप कितना कमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी अर्निंग मैं महीने की एक मंथ की बताने वाला हूँ, आपकी मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि ये एरिया के हिसाब से होता है, किसी एरिया में ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने कुछ डिलीवरी बॉय से पूछा है, वो 20 से 30 हज़ार तक अर्न कर लेते हैं एक महीने में, और एक वीक के बाद आपको पैसा मिल जाता है जोमेटो में। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद है आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।